सुप्रभातम आज हम पढ़ेंगे अकारांत पुलिंग शब्द अकारांत शब्द वो होते हैं जिनके अंत में ओ आता है। जैसे हम देखते हैं जैसे राम गज दिनेश अगर हम बालक शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो ब जमा आ ल जमा अ और को, जमा अ यानी क के साथ अंत में अ ध्वनि निकलती है मैंने आपको स्वर और व्यंजन वाले चैप्टर में समझाया था कि प्रत्येक व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा हुआ होता है तो क के साथ भी अ स्वर जुड़ा हुआ है तो जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क जमा अ तो अंत में आया अ तो गीण गीण जिन शब्दों के अंत में आता है वो होते हैं अकारांत पुलिंग शब्द इसी प्रकार से आकारांत शब्द होते हैं उकारांत इस प्रकार से और भी शब्द होते हैं जैसे हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द देखते हैं लता लता स्त्रीलिंग शब्द है और इसमें आकारांत ये अकारांत आकारांत शब्द है क्योंकि लता के त जमा आ बड़ी आ आ, आ रही है इसलिए ये अकारांत शब्द है तो आज हम देखेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द तो अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे बालक शब्द के रूप प्रथमा विभक्ति और वचन एक वचन द्विवचन और बहुवचन प्रथमा विभक्ति है प्रथमा विभक्ति एक वचन में आएगा बालक द्विवचन में बालको और बहुवचन में बालका द्वितीय विभक्ति में बालकम, बालको बालकान तृतीय बालकेन, बालकाभ्याम, बालके, चतुर्थी विभक्ति बालकाय बालकेभ्य, पंचमी विभक्ति बालकात् बालका बालके भ्य षष्ठी विभक्ति बालको नाम, सप्तमी विभक्ति में एक वचन है बालके द्विवचन है बालकयो, बहुवचन है और संबोधन कारक हे बालक हे बालको हे बालका हा। ये था बालक शब्द के रूप चलिए अब देखते हैं कि ये अकारांत शब्द बनते कैसे हैं। अकारांत शब्द प्रत्यय ये अकारांत शब्द के रूप प्रत्यय जोड़कर बनते हैं तो देखते हैं किस प्रकार से प्रत्यय इनमें जुड़ते हैं आसानी से हमने अगर ये प्रत्यय याद कर लिए तो हम किसी भी अकारांत शब्द के साथ इन प्रत्ययों को जोड़कर शब्द रूप पूरे कर सकते हैं और इजिली हम इसको याद भी कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं प्रथम व्यक्ति एक वचन में है अह अह पढ़ते लगेगा द्विवचन में अ पढ़ते और बहुवचन में आह पढ़ते जैसे बालक जमा अह बालक आँ, बालक जमा अ बालको बालक, बालक जमा आह बालका इस प्रकार से पढ़ते जुड़ अकारांत पुलिंग शब्द के साथ ये पढ़ते जुड़ते हैं तो अः अकारांत पुलिंग शब्द के शब्द रूप बन जाता है चलिए देखते हैं द्वितीय विभक्ति में विभक्ति में लगता है एन प्रत्यय, आभ्याम प्रत्यय और एह प्रत्यय। चतुर्थी विभक्ति में लगेगा आय आभ्याम एभ्य पंचमी में आत आभ्याम एभ्य षष्ठी में अस्य अयो आनाम सप्तमी में ए अयो एशु। संबोधन में अ, ओ, आ इसको हम टेबल की तरह भी इजीली याद कर सकते हैं अह ओ अम ओ आन एन आभ्याम ए आय आभ्याम एभ्य आठ आभ्याम एभ्य अस अयो आनाम ए अयो ओ आ तो ये याद करने का सरल तरीका हो सकता है तो चलिए देखते हैं कि शब्द के साथ प्रत्यय जोड़कर किस प्रकार से शब्द रूप बनाए जाते हैं हमने बालक शब्द एक वचन के साथ अह प्रत्यय जोड़ा तो बालक बना बालक जमा ओ प्रत्यय जोड़ा बालको बालक जमा आ पढ़ते जोड़ा बाल आपने इसमें वर्ण विच्छेद कुछ नहीं करना है बस आपने शब्द लिखा और उसमें जो मैंने अभी आपको आगे प्रत्यय बताए वो प्रत्यय जोड़ देने हैं आप प्रत्यय अच्छे से याद कर लीजिए और किसी भी अकारांत शब्द के पीछे आप ये प्रत्यय जोड़ते जाएंगे तो शब्द रूप अपने आप बनते चले जाएंगे द्वितीय विभक्ति में देखते हैं बालक जमा अम बालकम बालक जमा ओ बालको बालक जमा आन बालकान तृतीय विभक्ति में भी बालक जमा एन बालक एन बालक जमा अभ्यम बालकाभ्यम बालक जमा एह बालकह चतुर्थी विभक्ति में बालक जमा आय बालकाय बालक जमा आभ्याम बालकाभ्याम बालक जमा एभ्य बालकेभ्य और पंचमी विभक्ति में देखते हैं बालक जमा आत बालकात बालक जमा आभ्याम बालकाभ्याम बालक जमा एभ्य, बाकेभ्य षष्ठी विभक्ति बालक जमा बालक जमा अयो बालको बालक जमा आनाम बालकाना इसी प्रकार से आती है सप्तमी विभक्ति बालक जमा ये बालके बालक जमा अयो बालको बालक जमा येषु संबोधन कारक में भी आती है बालक जमा अ बालक जमा ओ बालको बालक जमा आह बालक आह तो इस प्रकार से आप शब्द के साथ प्रत्यय जोड़कर शब्द रूप बना तो ये थे बालक शब्द के रूप इसी प्रकार से आप राम शब्द के रूप बना सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बालक जमा अह आप यहाँ पे लिख सकते हैं राम जमा अह राम आहा हो जाएगा राम जमाओ रामो राम जमा आ राम आहा। तो जिस प्रकार से बालक शब्द के रूप है उसी प्रकार से अकारांत शब्द कोई भी हो आप उसके साथ ये सभी प्रत्यय जोड़ करके शब्द रूप आसानी से बना सकते हैं जैसे गजह अकारांत शब्द है अका...